इसमिल रही एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिश लेवल्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन लैंग्वेज वेरिएशन है क्या और इस लैंग्वेज वेरिएशन का क्या कंसेप्ट है वर्ल्ड इंग्लिशज़ में तो so, इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको जरूर देख लीजिएगा आज की वीडियो में हम जस्ट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड इंग्लिशज़ में सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड लेवल्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन सबसे पहले हम वर्ल्ड इंग्लिश को समझते हैं बाकी वर्ल्ड इंग्लिश पे ऑलरेडी मेरी दो तीन वीडियोस बनी है वो भी आप देख सकते हैं वर्ल्ड इंग्लिश का मतलब ये है ओवरऑल ये दो डिफ़िनीशन मैंने यहाँ पे लिखी है वर्ल्ड इंग्लिश जो डिफरेंट वाइटीज़ होती है इंग्लिश की उसको हम वर्ल्ड इंग्लिशज़ में डिस्कस करते हैं अब वो वैरायटी क्यों बनती है कॉलोनाइजेशन की वजह से बनती है इमिग्रेशन की वजह से बनती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से बनती है जब ऑबियसली जब एक वैरायटी बनती है किसी भी लैंग्वेज की तो फिर उसका क्या होगा उसकी विकेबलरी भी डिफरेंट होती है उसके वर्ड्स uh, प्रोनाउंस करने का अंदाज़ भी डिफरेंट होगा ग्रामर भी डिफरेंट होती, होती है और इसी तरह उसकी यूजेज भी डिफरेंट होती है और ये इसकी दूसरी डिफिनीशन है ये भी आप लोग देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा और अगर लेवल्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन इन वर्ल्ड इंग्लिशज़ज़ की बात करें तो ये हम तीन मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं सबसे पहला है रीजनल वेरिएशन जब रीजनल की बात होती है सो इट वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरिया दिस रेफर्स टू डिफरेंसिज़ इन द वे विच इज़ स्पोकन इन डिफरेंट रीजनस ऑफ द वर्ल्ड तो ये किस चीज़ को रेफ़र करती है किसी भी जो लाइक कोई लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज है फ्रेंच है स्पेनिश है जब वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ़ द वर्ल्ड में बोली जाती है ये उस चीज़ को रेफ़र करती है रीजनल वेरिएशन वेरिएशन का मतलब यही है देखो एक दो वर्ड्स होते हैं एक वी ए आर वाई वेरी और वी ई आर वाई वेरी वेरी का मतलब आपको पता है बहुत को कहते हैं इसी तरह वेरी का मतलब क्या है बदलना मुख्तलिफ़ ठीक है तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ैपल दिए कि अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिस्टिंग फ्राम ब्रिटिश इंग्लिश कि अमेरिकन इंग्लिश मुख्तलिफ है किससे ब्रिटिश इंग्लिश से वो क्यों क्योंकि अमेरिकन का अपना प्रोनाउंस करने का अंदाज़ होता है उनकी अपनी एक सिंटेक्स होती है और उसी तरह उनका अपना जो है लाइक जो आ, क्या जो वर्ड्स यूजेज होती है वो उनकी डिफरेंट होगी डिफरेंट वे में सब कुछ प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंट वे में सब कुछ यूज़ करते हैं तो ये किन से डिफरेंट होगा ब्रिटिश से होगा और इसी तरह यही दो जो है मीज़ अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश से डिफरेंट होंगी इंडियन इंग्लिश से डिफरेंट होंगी नाइजीरियन नाइजेरियन इंग्लिश सिंगापोरियन इंग्लिश जमेकियन इंग्लिश ये सारी इंग्लिश से जो है फिर ये डिफरेंट होते हैं मतलब एक Variety, दूसरे वराइटी दूसरी वैरायटी से ऑब्वियसली डिफरेंट होगी वो लैंग्वेज की वैरायटी हो सकती है जिस रीजनल वरायटीज़ ऑफ इंग्लिश ओपन हैव देयर ओन यूनिक देखो जैसे अभी मैंने बता बा, बात की थी कि उनकी जो है एक फिर एक यूनिक ग्रामर होगी यूनिक प्रनउंसिएशन होगी वोकेबलरी होगी और सिंटेक्स वगैरह होगी दूसरा है सोशल वेरिएशन दिस रेफर्स टू डिफरेंसिस इन द वे इंग्लिश स्पोकन बाई डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रीजन और कम्यूनिटी तो सोशल मीन्स जब एक uh, सोशल uh, ग्रुप होगा जब वो लैंग्वेज को यूज़ करेगा किसी भी रीजन या कम्युनिटी में उसका भी अंदाज डिफरेंट होता है एक डिफरेंट वैरायटी यूज़ करेगा फॉर एग्जांपल देर में भी डिफरेंसेस इन द वे दैट एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश यूज़ अ लैंग्वेज ऑफ डिफरेंसेस इन द वे दैट मैन एंड वुमेन यूज़ इन इंग्लिश जैसे मैन एंड वुमेन लैंग्वेज को जब यूज़ करते हैं सो उनका भी अंदाज़ डिफरेंट होता है यूज़ करने का इसी तरह जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड है वो भी इसी तरह होंगे मतलब उनका भी डिफरेंट होगा प्रोनास uh, कोई भी चीज़ प्रोनाउंस करने का या किसी भी ओकेबुलरी को यूज़ करने का किसी भी ग्रामर को यूज़ करने का फंक्शनल वेरिएशन दिस रेफर्स टू द डिफ्रेंसिस इन द वे इंग्लिश इज़ यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन सो फंक्शनल वेरिएशन का मतलब यह है कि जब आप लैंग्वेज को किसी भी सिचुएशन या कंटेक्स uh, में यूज़ करते हो फॉर एक्ज़ाम्पल आई लैंग्वेज यूज इन एकेडमिक राइटिंग में डिफ़र फ्राम दैट यूज इन कैजुअल कन्वर्सेशन जब एकेडमिक राइटिंग की बात आती है सो ओबियसली आप वहाँ पर पोलाइट रहते हैं पोलाइट वर्ड्स यूज़ करते हैं और लाइक like, कोई हार्श वर्ड यूज़ नहीं करते जिससे जो सामने वाला हो वो इफ़ेक्ट हो जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो वहाँ पे आप सब कुछ करते हैं मतलब हार्श वर्ड यूज़ करते हैं इनफॉर्मल रहते हैं और इसी तरह कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और द लैंग्वेज यूज इन बिजनेस सेटिंग मे डिफ़र फ्रॉम दैट यूज़ इन अ सोशल सेटिंग मतलब जब आप बिज़नेस की बात करेंगे या बिज़नेस सेटिंग की होगी बिजनेस सेटिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है इसी तरह सोशल सेटिंग जब आप दोस्तों के साथ बैठेंगे फैमिली के साथ बैठेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स तो वहाँ पे भी आपकी लैंग्वेज जो है डिफरेंट होती है मतलब आप इतने लाइक uh, फॉर्मल like, uh, नहीं रहते कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करते हैं ओवरऑल द लेवल्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन इन वर्ल्ड रिफ्लेक्ट द कम्पलेक्स सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स दैट हैव शेप्ड द यूज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड प्रोनन्सिएशन अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये समझे कि जो हमने तीन पार्ट्स पढ़े हैं उसके एग्जाम्पल्स है एक किस्म के द वे साउंड्स आर प्रोनाउंस्ड कैन वेरी ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश कहते हैं कि जब प्रोनन्शन की बात आती है तो इसी तरह जो हर वराइटी होगी इंग्लिश की जो वहाँ की कम्यूनिटी होगी तो वो भी डिफरेंट वे में चीज़ों को प्रोनाउंस करेगी फॉर एग्ज़ाम्पल इन ब्रिटिश इंग्लिश द वर्ड बाथ इज़ प्रोनाउंस विद अ शॉर्ट आ साउंड देखो बाथ वर्ड जो है ये जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो एक शॉर्ट आ साउंड में प्रोनाउंस होगा पोलिटिक्स एंड फिनोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है आ इसी तरह वाइल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज प्रोनाउंस द लॉन्ग अ साउंड मतलब ए को जो है वो लंबा प्रोनाउंस करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में बात बात इस तरह इन सम कैरिबियन इंग्लिश द टी एच जिसको हम स कहते हैं इज ओपन रिप्लेस विद ठ और ड साउंड रिजल्टिंग प्रोनाशन लाइक थिंग थिंग ठीक है तो एक किस्म की लाइक like वाइब्रेशन भी होती है इसमें हु English vocabulary can also vary significantly, vary significantly between different English speaking countries. इस तरह जो vocabulary है वो भी different होगी सब varieties में. For example, I mean American English the word truck is used to refer to the large vehicle used for transporting goods. जो truck word है ये American English में है. अब ये किस चीज़ के लिए use होता है कि एक large जो बड़ी गाड़ी होगी जो इसमें transport किया जाता है, जो चीजों को like जिसमें सामान रखा जाता है. While in British English the word the word lorry is used. लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है कि वर्ड लॉरी यूज़ किया जाता है ठीक है इज़ यूज इन स्टीट सिमिलरली इन इंग्लिश इन इंडियन इंग्लिश द वर्ड प्रेफोन इज़ यूज अब इंडियन इंग्लिश की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ये पैफोन यूज़ की जाती है इसी तरह मेरे मायने अभी एक और एग्जाम्पल आई है जैसे फुट पाथ फुटपाथ इंडियन इंग्लिश वर्ड है इसी तरह जो ब्रिटिश है वो पेमेंट कहते हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं वो लाइक ब्रिटिशर्स भी एक वर्ड यूज़ करते हैं इनके लिए मतलब इनसे डिफरेंट नहीं इन दोनों वर्ड से तो उनका भी एक अब डिफरेंट वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं सो so, इंडियन का लाइक हमने बात की कि वो पर्पोन यूज़ करते हैं प्रिपोन लाइक ब्रिंग फॉरवर्ड सो इसी तरह फिर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में भी लाइक like, जो डिफरेंट वराइटीज़ है वो डिफरेंट रूल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन सम अफ्रीकन इंग्लिश प्लूरल फॉर्म इज़ क्रिएटेड बाई रिपीटिंग द वर्ड चॉप चॉप for food or cloth cloth for cloths. In Indian English the present continuous tense is often used to express future actions. In Indian English future uh, continuous uh, present continuous tense use for future actions. one you know, example, I am going to the market tomorrow means I will go to the market tomorrow. So it means this present continuous tense is used for future plannings, for future. Idioms and expressions. Idioms and expressions can also vary significantly between different varieties of English. For example, in Australian English, the phrase fair dankum is used to mean genuine or authentic, authentic. while in American English, the phrase no worries is used to mean it's okay or don't worry about it. So, this is idioms. No worries, it means it's okay. you see that like American English. And in Australian English, we an Indian example of fair dankum. ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये एक फ्रेज़ है ये ऑस्ट्रेलियन फ्रेज है और ये अमेरिकन फ्रेज है तो जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेज़ है उसका मतलब है जेनुन या ऑथेंटिक इसी तरह जो अमेरिकन फ्रेज़ है वो नो वरीज इसका मतलब है इट्स ओके डोंट वरी अबाउट इट प्रेगमेटिक्स प्रेगमेटिक्स रेफर्स टू द वे दैट लैंग्वेज इज यूज इन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्सट डिफरेंट वाइटीज़ ऑफ इंग्लिश में हैव डिफरेंट नॉम्स एंड एक्सपेक्टेशन फॉर पोलाइटनेस फॉर्मोलिटी एंड डायरेक्टनेस फॉर एग्जाम्पल इन सम एशियन लैंग्वेज़ अच्छा ये एशियन नहीं है एजियन एजियन इंग्लिश इट इज़ कंसिडर पोलाई टू अवॉइड सेंग नो डायरेक्टली एंड इन स्टील यूज इन डायरेक्टेशन लाइक मे बी और आई विल कंसिडर इट कहते हैं कि जो एशियन लोग हैं जो हमारे अम, मतलब जो एशिया में रहते हैं वो क्या करते हैं वो डायरेक्टली नो नहीं कहते बल्कि वो कहते हैं मे भी अब ऐसा भी नहीं है कुछ तो ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट नो ही कहते हैं मतलब आप जब उनसे बात करते तो वो कहते हैं नो मीन डायरेक्टली नो वर्ड यूज़ करते बट बहुत से ऐसे लोग जो है जैसे हम लाइफ में नोट करते हैं वो मे बी वर्ड यूज़ करते हैं आई आई विल कंसिडर इट सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू ये थी आज की वीडियो लेवल्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन से रिलेटेड इन होल्डिंग डिशेज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर एक लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा आपकी लाइक कमेंट शेयर करने से एक किस्म की मोटिवेशन मिलती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि टेके रखें से